विवेक अपनी घबराहट छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, युवराज सर, मैं वो कुछ जरूरी काम से बाहर गया था। युवराज कहता है, आधी रात को तुम्हें कौन सा जरूरी काम याद आ गया और उसके लिए तुम्हें इतनी ऊंची बाउंड्री वॉल कूदने की क्या जरूरत है? तुम मेन गेट से भी जा सकते हो। युवराज को अब तक ये तो समझ आ गया था कि विवेक उससे कुछ छुपा रहा है और सिर्फ पूछने पर विवेक उसे कुछ भी नहीं बताएगा। युवराज सुहानी, निशा और विवेक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसके लिए इन्हें हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा था। विवेक कहता है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं इस तरह। ये कहते हुए विवेक वहां से जाने लगता है। युवराज विवेक की कलाई पकड़कर कहता है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन तभी विवेक की चीख निकल जाती है। विवेक के चीखने पर युवराज उसका हाथ छोड़ देता है और विवेक अपने हाथ को देखने लगता है। युवराज नोटिस करता है कि विवेक की कलाई के ठीक पीछे एक अजीब सा निशान है जिस पर विवेक को दर्द हो रहा था। युवराज को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो उस निशान को देखते हुए कहता है, ये निशान किस चीज का है? विवेक अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, आप किस निशान के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। युवराज विवेक के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। Now tell me। विवेक हिम्मत करके युवराज से कहता है, आप तो हमें पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं, तो आप मेरी बात क्यों मानेंगे? युवराज को अब विवेक पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि मुझे गुस्सा दिलाने की तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। विवेक युवराज की धमकी से डर जाता है और उससे कहता है, 3 साल पहले मैंने एक ऐसे इंसान को मारा था जिसने मृत्युंजय साधना सिद्ध की थी, ये उसी का श्राप है। ये कहकर विवेक वहां से चला जाता है। विवेक का जवाब सुनकर युवराज शॉक्ड रह जाता है और इसीलिए वो विवेक को जाने से नहीं रोकता। कुछ देर बाद युवराज कहता है, ये नहीं हो सकता, समायरा ने तो कहा था कि वो विवेक को उस श्राप से मुक्त कर देगी, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों नहीं? ये श्राप तो बहुत खतरनाक है और ये विवेक की जान भी ले सकता है। आखिर समायरा के दिमाग में चल क्या रहा है? अर्णव सुबह उठकर हमेशा की तरह रनिंग के लिए घर से बाहर निकला था। उसने अपने कान पर ब्लूटूथ लगाया था। वो भागते हुए कुछ दूर ही आया था तभी उसका फोन बजने लगता है। अर्णव देखता है कि आईजी का कॉल आया है। अर्णव अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, ये आईजी सर इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हैं? अर्णव कॉल आंसर करते हुए कहता है, जय हिंद सर। फोन से आईजी की आवाज आती है, जय हिंद, अर्णव एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अर्णव कहता है, क्या हुआ सर? आईजी कहता है, कल रात से यहाँ के होम मिनिस्टर का बेटा गायब है, पता लगाओ कि बात क्या है। अर्णव कहता है, ओके सर। ये कहकर अर्णव कॉल कट कर देता है और आईजी को कोसते हुए कहता है, क्या बात है, एक इंस्पेक्टर का काम डिस्ट्रिक्ट के एसपी को दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज होम मिनिस्टर का बेटा गायब हुआ है। अर्णव ये कह ही रहा था कि तभी फिर से उसका फोन बजता है। इस बार इंस्पेक्टर शर्मा का कॉल आया था। अर्णव के फोन उठाने पर इंस्पेक्टर कहता है, जयहिंद सर। अर्णव कहता है, जयहिंद शर्मा, अब तुम्हें इतनी सुबह मेरी याद क्यों आ रही है? इंस्पेक्टर शर्मा परेशान होकर कहता है, एसपी सर, अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं आपको कॉल नहीं करता। कल रात से होम मिनिस्टर का बेटा गायब है और हमें आज सुबह रोड पर उसकी कार मिली है, लेकिन। ये कहकर इंस्पेक्टर खामोश हो जाता है। अर्णव क्यूरियस होकर कहता है, लेकिन क्या? इंस्पेक्टर अर्णव से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल रात से होम मिनिस्टर हमारे सर पर तांडव कर रहा है, अब आप ही ये सब संभाल सकते हैं। अर्णव फील कर पा रहा था कि इंस्पेक्टर शर्मा इस वक्त काफी परेशान है। वो कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। कुछ ही देर में अर्णव वहां पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही इंस्पेक्टर शर्मा अर्णव से कहता है, सर यही उसकी कार है। अर्णव उस कार के अंदर देखते हुए कहता है,
यहाँ तो सिर्फ उसकी कार ही मिली है, फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा अफेयर पकड़ लिया हो। इंस्पेक्टर कार की बैक सीट पर इशारा करते हुए कहता है, सर ये देखिए, हमने पिछले रोड पर लगे कैमरे से देखा है, कल रात उस लड़के ने यही कपड़े पहने थे, उसके सारे कपड़े यही हैं। तो फिर वो लड़का कहाँ गया? इंस्पेक्टर के कहने पर अर्णव भी चौंक जाता है और उन कपड़ों को देखकर कहता है, शर्मा बात तो तुम्हारी सही है, अगर इसके कपड़े यहाँ हैं तो ये लड़का बिना कपड़ों के कहाँ चला गया। अर्णव ये कह ही रहा था तभी उसकी नजर सीट के नीचे जाती है। अर्णव इंस्पेक्टर से ग्लव्स लेकर उसे पहनता है और सीट के नीचे से कुछ उठाता है। कार से बाहर आकर अर्णव देखता है कि वो किसी इंसान के नाखून थे। अर्णव उस नाखून को इंस्पेक्टर को देकर कहता है, इसका डीएनए टेस्ट कराओ। इंस्पेक्टर परेशान होकर कहता है, सर डीएनए टेस्ट? अर्णव सीरियस होकर कहता है, हाँ अगर ये नाखून होम मिनिस्टर के बेटे का हुआ इसका मतलब यहाँ एक नई मुसीबत आ चुकी है। अर्णव को पता नहीं था कि कुछ दूर से दो आंखें उसे ही देख रही हैं। वो दो आंखें और किसी की नहीं, उसी लड़की की थी जिसने कल रात उस लड़के की कार रोकी थी। वो लड़की मुस्कुराते हुए अर्णव को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। अर्णव को चेकआउट करने के बाद वो खुद से कहती है, कौन है ये जिससे मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूं? लगता है अपना काम पूरा करने से पहले मुझे इससे मिलना होगा। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी अपने रूम में बैठे लैपटॉप पर अपना अपना काम कर रहे थे। युवराज काउच पर बैठा था और सुहानी बेड पर। युवराज बीच बीच में सुहानी की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि सुहानी का ध्यान अपने काम पर बिल्कुल नहीं है। सुहानी कुछ सेकंड फोकस करने के बाद बार बार कहीं लॉस्ट हो रही थी। युवराज चाहकर भी सुहानी से पूछ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। वहीं सुहानी बार बार खुद से एक ही सवाल कर रही थी कि क्या उसका अंदाजा सही होने वाला है? क्या आज रात सच में वो साया अपना शिकार करने वाला है? इससे भी बड़ा सवाल जो सुहानी के दिमाग में चल रहा था वो ये था कि आखिर वो ये सब कैसे देख सकती है। युवराज से अब रहा नहीं जाता और वो लैपटॉप पर अपनी नजर बनाए हुए कहता है, अगर फोकस नहीं कर पा रही हो तो सो जाओ। युवराज की आवाज से सुहानी का ध्यान टूटता है और वो युवराज को देखती है। युवराज अभी भी अपना काम कर रहा था। सुहानी बिना कुछ कहे लैपटॉप साइड में रखकर सो जाती है। युवराज को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि सुहानी उससे फिर से बहस करेगी, लेकिन सुहानी इस बार युवराज की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। एक्चुअली युवराज चाहता था कि सुहानी उससे बहस करे क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो सुहानी से बातें कर सकता था। इसके अलावा उन दोनों में बातें बहुत कम होती थी। सुहानी आराम से अपने बेड पर सो रही थी। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी उस रूम में कांच के टूटकर गिरने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर सुहानी की नींद टूट जाती है, लेकिन वो उस आवाज को इग्नोर करके फिर से सो जाती है। इस बार सुहानी को फिर से कई सारे सामानों के गिरकर टूटने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सुहानी घबरा जाती है और फौरन उठकर रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। सुहानी अपने आसपास देखकर डर जाती है। उस कमरे के सामान अपने आप हिल रहे थे और एक के बाद एक नीचे गिरकर टूटने लगे थे। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी नजर फौरन युवराज पर जाती है। युवराज काउच पर सोया था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से छटपटा रहा हो। युवराज को इस हालत में देखकर सुहानी समझ जाती है कि इस कमरे में जो भी हो रहा है वो युवराज की वजह से हो रहा है। अब उस कमरे का सामान पहले से कई ज्यादा हिलने लगा था और सारा सामान टूटकर इधर उधर बिखर रहा था। सुहानी घबराते हुए अपनी जगह से उठकर युवराज के पास जाती है। वो आगे बढ़ ही रही थी तभी वहां रखा कांच का एक वास टूट जाता है और वो सुहानी के सर पर जाकर लग जाता है। सुहानी बिना उस पर ध्यान दिए युवराज की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर नीचे अपने घुटने के बल बैठ जाती है।
सुहानी घबराते हुए युवराज का हाथ थाम लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। युवराज की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसका हाथ बहुत गर्म होता जा रहा था। सुहानी युवराज को उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर प्लीज उठ जाओ। लेकिन युवराज नहीं उठता। सुहानी के लिए अब युवराज का हाथ थामना मुश्किल होता जा रहा था और अब उसे भी तकलीफ होने लगी थी। तभी अचानक से सुहानी शांत हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। वो अपने लेफ्ट हाथ से युवराज का हाथ थामती है और अपना राइट हाथ युवराज के फोरहेड पर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे जैसे सुहानी अपना मंत्र पढ़ रही थी, युवराज शांत होता जा रहा था। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और युवराज फिर से आराम से गहरी नींद में सो जाता है। अगले ही पल सुहानी अपना सर झटकती है और कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, अभी अभी मैंने क्या किया और ये कौन सा मंत्र था जो मैं पढ़ रही थी? ये मंत्र तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने युवराज को कैसे शांत किया। सुहानी अब उठने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक युवराज ने नींद में ही उसका हाथ कसकर थाम लिया था। इसीलिए सुहानी वहीं बैठे हुए युवराज के सर के पास अपना सर टेक कर बैठ जाती है और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। इधर अर्णव और समायरा डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आज अर्णव को ऑफिस से घर आने में काफी देर हो गई थी। समायरा ने हमेशा की तरह कोई बहाना बनाकर अब तक डिनर नहीं किया था, क्योंकि वो अर्णव के साथ ही डिनर करना चाहती थी। अर्णव हर दिन से अलग आज समायरा से बिना कोई बात किए खाना खा रहा था। जब काफी देर तक अर्णव कुछ नहीं कहता तो समायरा उससे कहती है, क्या हुआ? समायरा की आवाज से अर्णव का ध्यान टूटता है और वो कंफ्यूज होकर समायरा को देखते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? समायरा फिर से कहती है, तुम परेशान लग रहे हो। अर्णव अपनी उंगली से अपना फोरहेड रब करते हुए कहता है, हाँ बस थोड़ा स्ट्रेस है। समायरा सवालिया नजरों से अर्णव को देखने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। अर्णव आगे कहता है, आज एक बहुत अजीब सा केस आया है। होम मिनिस्टर का बेटा लापता है और उसकी कार हमें रोड पर मिली है, जिसमें उसके पहने हुए कपड़े और शूज हैं। क्या है मिनिस्टर के बेटे की मौत का सच? क्या अर्णव सच का पता लगा पाएगा? कौन थी वो औरत? जानने के लिए सुनते रहिए। अर्णव आगे कहता है, आज एक बहुत अजीब सा केस आया है। होम मिनिस्टर का बेटा लापता है और उसकी कार हमें रोड पर मिली है, जिसमें उसके पहने हुए कपड़े और शूज हैं। ये सुनकर समायरा कहती है, और अर्णव आगे कहता है, उस कार में इंसान के कुछ नाखून मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो नाखून उस लड़के के ही हैं। और अजीब बात यह है कि वो नाखून पूरे हैं। मेरा मतलब उसे देखकर समझ आ रहा है जैसे उसे किसी इंसान की उंगली से उखाड़ कर निकाला गया हो, लेकिन नाखूनों में खून नहीं लगा है। अगर किसी ने उसे उखाड़ा भी होता तो उसमें उस इंसान का खून तो जरूर होता। अर्णव की पूरी बात सुनकर समायरा कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस लड़के के गायब होने के पीछे किसी नॉर्मल इंसान का हाथ नहीं हो सकता? अर्णव कुछ सोचते हुए कहता है, शायद। मैंने अपने इतने सालों के करियर में कई अजीब तरह के केस देखे हैं, लेकिन इस केस में मेरा इंट्यूशन कुछ और ही कह रहा है। ये कहते हुए अर्णव को कुछ याद आता है और वो आगे कहता है, अरे हाँ, मैंने राघव का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया है। शायद जल्द ही वो हमें मिल जाएगा। समायरा कहती है, ठीक है। अर्णव क्यूरियस होकर समायरा से कहता है, क्या तुम सुहानी पर शक कर रही हो? समायरा कहती है, नहीं, मुझे पता है वो इनोसेंट है। अर्णव कहता है, तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम उसके बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश कर रही हो? हो सकता है कि सुहानी खुद तुम्हें कुछ बता पाए। समायरा कहती है, जो मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ
वो सुहानी खुद नहीं जानती। मैंने कई बार चेक किया है, उसके पास शक्तियां नहीं है, लेकिन कोई तो बात है उसमें। युवराज की शक्ति कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो फिर सुहानी ऐसा कैसे कर सकती है? हमेशा सुहानी को कैसे पता चल जाता है कि उस साय ने किसका शिकार किया? मृदुला तक तो समझ आ रहा था, लेकिन वो इस साय के शिकार को कैसे जान सकती है? अर्णव भी कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ, और मुझे याद है कि मृदुला की अस्थियां सुहानी के खून को खींचने के बाद ही कुछ रिएक्ट करती थी। अर्णव के ऐसा कहने के बाद वो दोनों फिर से खामोश हो जाते हैं। रात के 3 बजे थे। एक लड़की अपने बेड पर आराम से बाई तरफ करवट लेकर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। उसके रूम में एक डिम लाइट चल रही थी और वहां की खिड़की खुली थी। उस लड़की को नींद में एहसास होता है कि उसे फुसफुसाती हुई आवाज में एक अजीब सा मंत्र सुनाई दे रहा है। वो मंत्र किसी ऐसी भाषा में था जो उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की इस वक्त नींद में थी, इसीलिए उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। नींद में उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में कुछ चला गया है और इसीलिए उसे ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो आंखें बंद किए हुए ही अपने एक कान में उंगली डालकर अपना हाथ हिलाती है और करवट बदलकर फिर से सो जाती है। अगले ही पल उसे फिर से किसी आदमी की भयानक आवाज में वो मंत्र सुनाई देता है। इस बार वो आवाज थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए उस लड़की की नींद खुल जाती है। वो बेड पर लेटे हुए ही पास रखा अपना फोन चेक करती है कि कहीं वो आवाज उसके फोन से तो नहीं आ रही है, लेकिन वो देखती है कि उसके फोन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो भयानक आवाज बढ़ती जा रही थी। अब उस लड़की को डर लगने लगा था। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, रवि, क्या ये तू है? देख, इतनी रात को मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। उस लड़की को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। अब डर से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कान के पास आकर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया हो। वो लड़की फौरन बेड से उठकर दूसरे कोने में चली जाती है और घबराते हुए कहती है, कौन है यहाँ? उस लड़की को अपने पीछे से कान के पास फिर से एक आवाज सुनाई देती है, अपने सामने देखो। वो आवाज सुनकर वो लड़की फिर से वहां से भागने लगती है। तभी उसे एक आदमी के गुस्से से गुर्राती हुई आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा ना, सामने देखो। वो लड़की डरते हुए अपने सामने देखती है। उस लड़की के सामने एक बड़ा सा मिरर था। जैसे ही उसकी नजर उस मिरर पर जाती है, वो देखती है कि उसके ठीक पीछे उससे 3 गुना बड़ा एक भयानक साया था जो हवा में उड़ रहा था और उसके कपड़े हवा में ही लहरा रहे थे। उस साय को देखकर वो लड़की जोर से चीखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके गले से चीख नहीं निकल रही है। वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, तो वो लड़की चीखते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उस कमरे में फिर से वही आवाज आती है, तुम मेरी आहुति हो। ये कहते ही उस लड़की के चेहरे के सामने अचानक से वो साया आ जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वहां से भागते हुए अपने रूम की खिड़की से नीचे कूद जाती है। नीचे कूदते हुए जब वो लड़की हवा में होती है, तभी वो साया उसके पास आता है और बड़ी तेजी से उसके शरीर का एक चक्कर लगाकर वहां से चला जाता है। जब वो लड़की जमीन तक पहुंचती है, तब तक उसकी आंखें बाहर आ गई थी और उसकी बॉडी पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। उस लड़की ने अब अपना दम तोड़ दिया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। अगले ही पल वहां उसी भयानक आवाज में एक मंत्र गूंजने लगता है। फिर वो साया एक घर के अंदर चला जाता है। उस घर में लड़की के मॉम डैड अंधेरे रूम में और उसकी दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। वो साया पहले उसके मॉम डैड के रूम में जाकर उनके पास से तेजी से गुजर जाता है और फिर उसकी दादी के पास से।
अब उन सब का शरीर भी उस लड़की की तरह सफेद पड़ गया था। ये देखते ही सुहानी चीखते हुए उठ जाती है। सुहानी इस वक्त युवराज के पास ही जमीन पर बैठी थी और उसका सर काउच पर टिका था। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज भी हड़बड़ाकर उठ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसके काउच के पास नीचे बैठी है और वो बहुत डरी हुई है। डर की वजह से सुहानी कांपते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आता और वो फौरन काउच से उतरकर नीचे सुहानी के पास बैठ जाता है। सुहानी को घबराया हुआ देखकर युवराज को भी घबराहट होने लगी थी। युवराज सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, सुहानी क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? युवराज को देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। युवराज देखता है कि डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। युवराज फौरन सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे शांत करते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। सुहानी युवराज का शर्ट कसकर पकड़ते हुए रो रही थी। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए कहता है, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती। लगभग एक घंटे तक सुहानी उसी तरह से युवराज के सीने से लगी हुई थी और युवराज बिना कोई सवाल किए उसे अपनी बाहों में समेटे रखता है। एक घंटे बाद युवराज नोटिस करता है कि सुहानी अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। वो समझ जाता है कि सुहानी अब सो चुकी है। युवराज उसे आराम से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सुहानी ने उसका शर्ट कसकर पकड़ा हुआ है। युवराज जानता था कि सुहानी अभी बहुत डरी हुई है और वो उसे फिर से नींद से जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए युवराज वहीं सुहानी के पास ही लेट जाता है। वहां लेटते ही युवराज अपने रूम को नोटिस करता है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ देर पहले वहां क्या हुआ था और सुहानी उसके पास क्या कर रही थी। युवराज अब सुहानी के चेहरे को करीब से देखता है और उसकी नजर सुहानी के माथे पर लगी चोट पर जाती है। युवराज उस चोट को ठीक करने के लिए अपना हाथ सुहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाता है लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो अपने हाथ को रोक लेता है। वो अपना हाथ पीछे लेते हुए खुद से कहता है, कहीं मैं सुहानी को चोट न पहुंचा दूं। 3 साल पहले तक युवराज मृदुला से जुड़ा था जो तंत्रा के साथ मिलकर युवराज की शक्तियों को कंट्रोल करती थी और तब तक युवराज को पता भी नहीं था कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं। लेकिन उन अस्थियों को नष्ट करने के बाद युवराज पर उन दोनों का कंट्रोल खत्म हो गया था और युवराज के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आ गई थी कि वो अब तक उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। युवराज जितना उन शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता, वो शक्तियां उतना ही उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती। युवराज की मदद करने के लिए ना उसके साथ पद्मिनी थी और ना ही समायरा, इसीलिए वक्त के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। युवराज सुहानी के चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या आज फिर से सुहानी ने मुझे शांत किया? लेकिन सुहानी हर बार ऐसा कैसे कर पाती है? युवराज यही सब सोचते हुए सुहानी के पास ही सो जाता है। सुबह हो गई थी। सुहानी युवराज की बाहों में आराम से सो रही थी। तभी सुहानी की नींद खुलती है और उसकी बॉडी में थोड़ा मूवमेंट होने लगता है। इससे युवराज की नींद भी खुल जाती है। आंखें खोलते ही उन दोनों की नजर एक दूसरे के चेहरे पर जाती है। इतने टाइम बाद आज युवराज और सुहानी की सुबह इतनी खूबसूरत हुई थी। वो दोनों सब कुछ भुलाकर बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद युवराज होश में आता है और वो सुहानी से कहता है, अब तुम ठीक हो? युवराज के इस सवाल से सुहानी भी होश में आ जाती है और उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। सुहानी का चेहरा जो अभी तक युवराज को देखते हुए सुकून से भरा था, उस पर अब परेशानी के भाव आ जाते हैं। सुहानी नोटिस करती है कि इस वक्त वो युवराज की बाहों में उसके बहुत करीब है। वो धीरे से उठकर युवराज से दूर हो जाती है। युवराज भी बेड से उठकर कहता है, तुम रात को इतनी परेशान क्यों थी? सुहानी युवराज से सच छुपाते हुए कहती है,
वो बस मुझे एक बुरा सपना आया था। युवराज कहता है, कैसा सपना? सुहानी बात को टालते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये कहकर सुहानी बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। युवराज जानता था कि सुहानी ने पिछली बार उस साय को शिकार करते हुए अपने सपने में देखा था और उसे पता था कि ऐसे सपने आने पर सुहानी कैसे रिएक्ट करती है। कल रात सुहानी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था। युवराज को अब किसी अनहोनी का डर परेशान करने लगा था। वो तेजी से जाकर सुहानी के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या वजह है सुहानी के उस सपने की? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।